आई थिंक मेन रीज़न जो मैं गर्ल चाइल्ड के लिए फ़ील करती हूँ, क्योंकि आई रियलाइज़ कि काफ़ी जगहों पे ये देश में लड़कियों को उतना सम्मान इज़्ज़त नहीं दिया जाता. द फैक्ट कि मैं जब छोटी थी और मेरे फादर नहीं, मुझे ही नहीं चाहते थे इसलिए क्योंकि मैं लड़की थी. आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील द पेन कि क्या ये गुनाह है कि मैं लड़की हूँ. तो जब अभी छोटे बच्चियों को देखती हूँ तो ऑफकोर्स आई फील फॉर देम, एंड जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ वो करने में उनके लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज़ आई सी माई सेल्फ इन देम. मुझे लगता है कि मैं भी, अगर मैं इतनी जब छोटी थी शायद तो नहीं होती अगर मेरी माँ ने वो कदम नहीं लिया होता तो. सो आई टोटली फील फॉर देम, आई फील फॉर गर्ल्स अ लॉट. आई थिंक आई शुड थैंक बिग FM कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. अभी तक मैं सिर्फ नन्ही कली से एसोसिएटेड रही हूँ, एंड आई एम ग्लैड कि अभी मैं प्रोजेक्ट क्रेयॉन से भी एसोसिएट हूँ. एंड दिवाली भी मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी, थोड़े कपड़े एंड मिठाइयाँ वो सब साइड में रखिए, एंड मेरी नानी और मैं हम जाएंगे जो यहाँ पे स्लम एरिया में, और वहाँ पे खुशियाँ जितनी हो सके थोड़े इसमें लेकिन हम वो बांटेंगे, एंड इट फील्स रियली नाइस. सी मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, सो ऑफकोर्स ऑल दिस टू टेक विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि यू नो पेपर्स में लिंकअप्स पढ़ो. आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली अफेक्ट होगी क्योंकि हर जगह से फ़ोन आएंगे. सो आई थिंक एज फार एज आई एम कंसर्नड आई विल बी वेरी केयरफुल बिकॉज आई डू नॉट यूजअली इंडल्ज इन थिंग्स लाइक दिस. आई नो वॉट माई फोकस इज एंड वेर आई हैव टू गो एंड आई विल जस्ट कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट. अगर इंशाल्लाह इफ़ आई एवर फॉल इन लव और हैव अ रिलेशन विद समबडी, आई डोंट थिंक आई विल बी अफ्रेड ऑफ सेइंग इट एंड एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि वो लड़के को वो रिस्पेक्ट देना आई थिंक एक रिलेशनशिप का बेसिक नीड है. कि अगर मैं वो लड़के को उस रिस्पेक्ट या हमारे रिलेशन की आइडेंटिटी नहीं दे सकती, सो देयर इज़ नो पॉइंट. बट आई होप दैट ऑल दीज लिंकअप्स डोंट कम माई वे, आई विल बी केयरफुल.